नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव अहमदपुर दारेवाला में, और अहमदपुर दारेवाला में मैं आपको बता दूं कि मई 2018 में ग्राम पंचायत के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि जिस भी घर में कन्या का जन्म होगा, बेटी का जन्म होगा, उस परिवार को सम्मानित किया जाएगा और सम्मान स्वरूप 2100 रुपये की राशि उन्हें भेंट की जाएगी। तो इसी तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को एक अच्छी पहल शुरू हुई है, एक जोर देने की मुहिम यहाँ पर शुरू की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम जो गांव के लोग हैं, और आज ग्राम सभा की मीटिंग थी, उस ग्राम सभा की मीटिंग में ये फैसला लिया गया था मई 2018 में। और आज ग्राम सभा की जो मीटिंग है, इस मीटिंग में ये तमाम जो आप सामने फैमिली देख रहे हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी मदर उनके साथ आई हुई हैं, और उनको लेकर के उनको आज सम्मान स्वरूप आज 2100 रुपये की राशि यहाँ पर भेंट की जानी है। चलिए इस मुहिम को लेकर के जो गांव के महिलाएं हैं, गांव की औरतें हैं, वो क्या कुछ कहती हैं, उनसे जानते हैं। सबको धन्यवाद ग्राम सभा तो, और सरपंच जी स्कीम चलाई है, बहुत बढ़िया चलाई है, हम सारे सुन के बहुत खुश हुए हैं। अपनी बेटी अपना धन, ये स्कीम हमारे गांव के लिए बहुत ही लाभदायक और होती है। इसमें से हमारे गाँव को बहुत भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत गरीब लोग ज़्यादा है, इसके लिए उन्हें 2100 रुपये इनाम हमारे गांव के सरपंच ने देकर बहुत अच्छा किया। अच्छी सोच अच्छी कार्य के लिए मैं हमारे गांव के सरपंच श्री राम कुमार एंड शारदा देवी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने बच्चियों को 2100 रुपये इनाम देकर महिलाओं का मान सम्मान किया है। चलिए सरपंच प्रतिनिधि राम कुमार जोगपाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने कब ये मुहिम शुरू की थी और क्यों इन्होंने शुरू की थी। सरपंच साहब, आपने कन्यादान के स्वरूप 2100 रुपये देने की एक मुहिम शुरू की है, कब की ये स्कीम है और क्यों आपने शुरू की? हमने ये मई 2018 में हमारी स्कूल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सेक्स रेशो के बारे में बातचीत हुई, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र भी आए हुए थे और डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे। उन्होंने हमें नोटिस में दिया कि आपके गांव का सेक्स रेशो काफ़ी कम है, तो उस डिपार्टमेंट को ये अंदेशा था कि हमारे गाँव में कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो उस मीटिंग में हमने ये फैसला लिया था। ग्राम पंचायत की मीटिंग करके हमने एक निर्णय लिया कि अगर जिस घर में भी बेटी पैदा होगी, उसको हम अपने निजी तौर पर पंचायत अपनी सरपंच अपनी तरफ से 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगा, जिससे हर एक परिवार में ये उत्सुकता रहेगी। हालांकि ये प्रकृति का नियम है बेटा या बेटी होना, पर इससे बेटियों की तरफ लोगों का ध्यान काफ़ी जाएगा, जागरूकता बढ़ेगी, बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों को लिखाया जाएगा और उनके पालन पोषण पर बढ़िया ध्यान दिया जाएगा। तो मैं आगे से भी ये कामना करता हूँ कि आने वाले टाइम में जो भी भविष्य में जो आए, तो मेरे ख्याल से इस स्कीम को डबल कर दिया जाए, इससे बेटियों की शिक्षा के प्रति और बेटियों के भविष्य के प्रति काफ़ी बढ़िया उत्सुकता मिलेगी। आपने देखा है गांव में महिलाओं में कितना ये अच्छा लग रहा है, महिलाएं आपको बता रही हैं, इनमें भी एक खुशी की लहर है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर ग्रामवासियों का, महिलाओं का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। आगे से भी हम इसी तरह हर एक कार्य में सहयोग करते रहेंगे, बेटियों की शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए सरपंच शारदा देवी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपने एक मुहिम शुरू की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से शुरू की गई थी और आने वाले समय में आपका क्या कुछ प्रोग्राम है? ये मई 2018 में शुरू की गई थी। हम बेटियों के लिए बहुत ही खुश है ये सब, ये मुहिम शुरू करके, गांव के सहयोग से ही हमने ये मुहिम से शुरू किया है और गाँव वाले भी बहुत खुश है इस मुहिम से।
चलिए ग्राम सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस मुहिम के बारे में वो क्या कुछ कहते हैं। सर, ग्राम पंचायत अहमदपुर दारेवाला ने एक मुहिम शुरू की है, बेटी के जन्म पे, कन्या के जन्म पे उनको एक सम्मान स्वरूप राशि देनी है, क्या कुछ कहें। बड़ा ही सराहनीय कदम है ग्राम पंचायत का, विशेषकर सरपंच साहब का, क्योंकि उन्होंने कोई ग्राम पंचायत के फंड से नहीं बल्कि अपने निजी तौर पर ये मुहिम शुरू की है। तो बेटी और महिलाओं के सम्मान के लिए उनका बड़ा ही सराहनीय कदम है, इसके लिए वो बड़े ही धन्यवादी हैं। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत अहमदपुर दारेवाला के जो सरपंच हैं राम कुमार जोगपाल, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने पंचायत फंड से नहीं बल्कि अपने खुद की जेब से ये जो सम्मान स्वरूप राशि देने का जो एक बीड़ा उठाया है, और ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक जो मुहिम हरियाणा सरकार ने, जो हमारी सरकार ने शुरू कर रखी है, उसको एक बहुत बड़ा बल इस मुहिम के माध्यम से, इस स्कीम के माध्यम से मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूँ तो ग्राम पंचायत अहमदपुर दारेवाला में तो लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और ज़रूरत है तो आज हर एक ग्राम पंचायत को इस तरह की मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हमारी बेटियों को कोख में मारने के बजाय उनको इस दुनिया में आने दिया जाए। और आज भी हमारे देश में अनेकों ऐसी बेटियाँ हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर रखा है। कैमरा सहयोगी तारा सरेलिया के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।